हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। ओके, अगर हम वर्क डन की बात करें तो हमने वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन देखा है। वर्क डन का मतलब होता है वेक्टर फोर्स और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ओके, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करते तो वर्क डन फाइंड करते, पर यहाँ पर जब कभी हम वर्क डन की बात करेंगे तो हमको दो बातें हमेशा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि किस फोर्स के कारण हमें वर्क डन फाइंड करना है, क्योंकि किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्स लग सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लग सकता है, नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है, अलग अलग कैटेगरी के फोर्स बॉडी पर लग सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला हमें स्पेसिफाई करना है कि किस फोर्स के कारण आप वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि फोर्स वेरिएबल है या फिर कॉन्स्टेंट। आज के लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उससे रिलेटेड हमने फार्मूले देखे थे। एक बार हम फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ओके। तो यहाँ पर अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है बाय वेरिएबल फोर्स, तो हमें पता है कि हमें इंटीग्रेशन करना होगा। हमें इंटीग्रेशन करना होगा। हम लिखेंगे W is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन R1 टू फाइनल पोजीशन R2 ऑफ F.dr। ओके, F.dr। ओके, आज उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारे पास में फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन में गिवन है हम व्हाइट कलर ले लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 1 kg ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज द फंक्शन ऑफ टाइम x = 1/3t³। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड। यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है। ओके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ओके, एक्स डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, दैट इज x = 1/2, इट इज 1/3 t³। ओके, 1/3 t³, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है। हमें फोर्स के बारे में गिवन नहीं है, पर हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो कि टाइम का फंक्शन है, वहाँ से हम एक्सेलरेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसे एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम dx/dt लिखेंगे जो कि होता है वेलोसिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा 1/3 एज इट इज, और t³ का डिफ्रेंशिएशन 3t² होगा। यहाँ 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, हमको वेलोसिटी मिलेगा t² वेलोसिटी मिला हमको v = t² और इस वेलोसिटी को अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं जो कि होगा 2t, और यही है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया 2t, और यहाँ पर हमको पता चल रहा है एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। दिस एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दिस फोर्स आल्सो विल बी फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर m का वैल्यू कितना दे रखा है, m का वैल्यू 1 kg दे रखा है 1, और एक्सेलरेशन हमने निकाला 2t, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास में आया 2t। फोर्स कितना आया हमारे पास में, आया 2t। ओके, अगर हमने यहाँ पर x का वैल्यू, या फिर हम यहाँ से dx का वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे w = ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, w = इंटीग्रेशन f.dx। तो यहाँ पर जब आप f का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2t, क्योंकि m का वैल्यू 1 है, यहाँ पर हमने f का वैल्यू 2t निकाला है, तो f = 2t, और dx अब हमारे पास में t को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, वो पॉसिबल नहीं है, तो हम dx का वैल्यू dt के टर्म में इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर हमने dx by dt is equal to t² लिखा है, तो यहाँ से हम dx का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। dx = t² into dt, क्या होगा,
टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम यहाँ पर हमारे स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन एफ, एफ का वैल्यू कितना आया 2t, और डी एक्स का वैल्यू बच्चा लोगों कितना आया है टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पर आपको ये बात शायद समझ में आया होगा कि हमने डी एक्स का वैल्यू डी टी के टर्म में क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है और हम उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसको डी एक्स को डी टी की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। ओके, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा टू, हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं बाहर, यहाँ पर मिला टी क्यूब और इंटीग्रेशन 0 to 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड टी के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई इट इज 0 to 1, और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो w इज इक्वल टू मिला 2, टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस टू पावर 4/4 और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1, अपर लिमिट पुट करेंगे w इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये 2/4 कैंसिल होगा 1/2 बचेगा, अपर लिमिट 1 रेस टू पावर 4, 0 रेस टू पावर 4, तो हमको कितना मिला w इज इक्वल टू 1/2 जूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर देखा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यहाँ पर हमारे पास में फोर्स गिवन नहीं था, हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया, एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद हमने फोर्स फाइंड किया और उसे इंटीग्रेट किया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया, पर वर्क डन में हम इंटीग्रेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में करते हैं, पर हमने पोजीशन को टाइम में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, हम यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग वापस हमारे पास में आता है। क्वेश्चन में गिवन है अ चेन इज हेल्ड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल विथ 1/nth ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज, इफ द चेन हैज लेंथ कैपिटल एन एंड मास कैपिटल एम, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्लोली पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हम एक टेबल कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, एक टेबल कंसिडर करते हैं, ये हमारा टेबल है। ओके, यहाँ पर इसका एक एज हम ऐसे बना लेते हैं, दिस इज अवर टेबल। ओके, और हमारे पास में गोल्ड चेन है। ओके, तो गोल्ड चेन बनाने के लिए येलो कलर ले लेते हैं हम। ओके, ये हमारा गोल्ड चेन है। ओके, दिस इज अवर चेन। ओके, और उन्होंने कहा है कि ये जो चेन है ये इसका 1/nth पार्ट इज ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज, मतलब अगर टोटल लेंथ एल है तो एल बाय एंथ पार्ट नीचे यहां पर लटका हुआ है। ओके, और ये जो पार्ट है यही इस पर फोर्स लगाएगा, और इसके अगेंस्ट ही अगर हमको इसको ऊपर खींचना है, ध्यान से समझना है आपको, अगर हमको इसको ऊपर खींचना है, यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं क्योंकि वही क्वेश्चन में गिवन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्लोली पुल द हैंगिंग पार्ट, अगर इसको हमको धीरे धीरे ऊपर खींचना है तो यहाँ पर इस पोर्शन का जितना वेट होगा वही फोर्स होगा। क्या होगा फोर्स, ये जितना हैंगिंग पार्ट है फोर्स होगा वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। ओके, पर यहां पर हैंगिंग पार्ट तो वेरिएबल है, जैसे जैसे आप ऊपर खींचेंगे ये हैंगिंग पार्ट जो होगा, जो लटका हुआ पोर्शन होगा वो वेरिएबल होगा, उसका लेंथ वेरी करेगा तो फोर्स वेरिएबल होगा। तो ये जो फोर्स हमें फाइंड करना, मान लो कि ये लेंथ कितना है एक्स है, इनिशियल 1/n है, पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो हम लिखेंगे कंसीडर एट एनी इंस्टेंट द हैंगिंग लेंथ इज इक्वल टू एक्स, तो उसका वेट क्या होगा 10।
अगर हम वेट फाइंड करेंगे तो मास भी फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले मास फाइंड कर लेंगे। दस मास ऑफ एक्स लेंथ, ओके, और उसको हम लिख रहे हैं स्मॉल m, या एम एक्स लिख देते हैं क्योंकि एक्स लेंथ का मास है ना, तो एम एक्स। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू जितने का निकालना है, वो ऐसे ही करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करेंगे और जितनी लेंथ का निकालना है उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू रिक्वायर्ड लेंथ, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह हम यूज करते हैं, जब कभी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। तो अगर हम वेट की बात करें, अब हम यहाँ पर लिखेंगे दस दी वेट ऑफ एक्स लेंथ, उस एक्स लेंथ का वेट अगर हमको फाइंड करना है जिसे हम फोर्स कहेंगे, ओके, क्योंकि उतना ही फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तो एफ इज इक्वल टू दिस एम एक्स इंटू जी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई कैपिटल एन इंटू एक्स इंटू जी, ये हो गया फोर्स। और यहां पर हमको समझ में आ रहा है कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। व्हाई दिस फोर्स इज वेरिएबल, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, ओके। तो अगर अब हमको वर्क डन फाइंड करना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ, और थोड़ा सा हमने उसको ऊपर खींचा डीएक्स, इनिशियल लेंथ जो था वो एल बाय एन था और फाइनल लेंथ जीरो हो जाएगा। अभी जो हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं वो ग्रेविटी के कारण फाइंड करने हैं, पर ये जो फोर्स होगा ये नेगेटिव माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके अपोजिट हमको वर्क करना है। ये जो फोर्स होगा ये जितना यहाँ पर वेट लग रहा है उसके अपोजिट होगा, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम एल बाई एन टू जीरो, क्यों जीरो, क्यों, जब पूरा लेंथ ऊपर आ जाएगा, पूरा चेन ऊपर आ जाएगा तो हैंगिंग पार्ट तो जीरो होगा, दैट्स व्हाई इट इज एल बाय एन टू जीरो, ओके। सो दिस एफ दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम बाय एल इनटू एक्स इनटू जी इनटू डी एक्स, तो नेगेटिव साइन हम बाहर ले सकते हैं, कैपिटल एम बाय एल इनटू जी, ये सारे कॉन्स्टेंट है इसको भी बाहर ले सकते हैं, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है एल बाय एन से जीरो तक, ओके। यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमको ये साइड पोर्शन यूज करना है, यहाँ पर हम बाकी का इंटीग्रेशन करेंगे। सो दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस माइनस एम बाय एल इंटू जी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, एल बाय एन से जीरो तक। यहाँ पर W इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा माइनस एम बाई एल इंटू जी, अपर लिमिट जीरो माइनस, ये टू को हम बाहर ले सकते हैं, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, L बाय एन का होल स्क्वायर, तो एक L से एक हम कैंसिल कर सकते हैं। W इज इक्वल टू हमारे पास में आया, नेगेटिव से नेगेटिव हम कैंसिल करेंगे, M इंटू एल इंटू जी बाई एन, सॉरी इट इज टू एन, so this is the W, this is the work done, okay। तो हमने यहाँ पर देखा, ये practical case देखा जहाँ पर हमको integration का concept use करना पड़ा, जहाँ पर हमको integration का concept use करना, क्योंकि जो weight था वो variable था, okay। यहाँ पर छोटा सा concept हमने change किया है negative force का, क्योंकि जितना force यहाँ पर इसका weight vertically downward लगेगा उतना ही force हमको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बात उसे स्लोली ऊपर की तरफ खींचना है, धीरे धीरे खींचना है, ओके। तो एक्सेलरेशन उसका हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखा, आगे और हम बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन की। थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी बात कर रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और उसी से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन आर वन दैट इज इक्वल टू टू आई के प्लस थ्री जे के मीटर टू, आर टू दैट इज इक्वल टू फोर आई के प्लस सिक्स जे के मीटर अंडर अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर आई के प्लस टू वाई जे के न्यूटन।
फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड दिस वर्क दिस फोर्स इज वेरिएबल. यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है. ओके हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है. ओके फोर्स कैसा है? वेरिएबल है क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है. ओके और वाई पर डिपेंड कर रहा है. और जब कभी इस वेक्टर फॉर्म में हमको फोर्स गिवन होता है तो हम फार्मूला लगाते. सबसे पहले छोटे से कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं कि यह पॉइंट आर वन वेक्टर है. ओके और इस आर वन वेक्टर का वैल्यू कितना गिवन है? दैट इज इक्वल टू टू आई के प्लस थ्री जे के. ओके और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आता है आर टू वैक्टर पर. दिस आर टू वैक्टर इज इक्वल टू फोर आई के प्लस सिक्स जे के. ओके ये गिवन है. अब यहाँ पर आर वन में जो फर्स्ट आई केप का कोफिशियंट दे रखा है वो दे रखा है एक्स वन. एक्स वन का वैल्यू कितना है? टू. और थ्री का मतलब वाई वन दैट इज इक्वल टू थ्री. ओके ऐसे ही आर टू में एक्स टू को हम देखेंगे तो वो होगा फोर और वाई टू को हम देखेंगे तो वो होगा थ्री. ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर तो सिक्स आएगा. ओके तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि मैंने x1, y1 और x2, y2 कैसे लिया है ना. वेक्टर फॉर्म से हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया. अब अगर हमको वर्क डन फाइंड करना है बाय वेरिएबल फोर्स तो हमारे पास फार्मूला होता है w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर ऑफ f डॉट dr. ओके और हमको ये पता है जो डी आर वैक्टर होता है दैट इज द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के. डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के. अब यहाँ पर अगर हम एफ डॉट डी आर फाइंड करेंगे, एफ डॉट डी आर फाइंड करेंगे तो एफ का वैल्यू कितना गिवन है? ये एफ का वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर आई के प्लस 2y j k. ओके और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में करेंगे? डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के के साथ, r वेक्टर के साथ. ओके तो यहाँ पर f डॉट डी आर क्या मिला? f डॉट डी आर क्या मिला? वो मिला 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई. अब यहाँ पर ये आपको बताने की ज़रूरत मुझको नहीं लगती है कि आई केप और आई केप का डॉट प्रोडक्ट वन होता है और जे केप का डॉट प्रोडक्ट भी वन होता है. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपको आई केप के कोफिशियंट का मल्टीप्लाई करना है प्लस जे केप के कोफिशियंट का मल्टीप्लाई करना है. अगर ये इसमें अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वेक्टर वाले वीडियो एक बार देख लेना चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके और इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के गलतियों के कारण ही हमारे मार्क्स रिडक्ट होते हैं. ओके तो हमको बेसिक जो सिली मिस्टेक हम करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और वो सिली मिस्टेक हमेशा जो हाइपर एक्साइटमेंट होता है उसके कारण होता है कि अगर हमने दो क्वेश्चन सही किए तो तीसरा क्वेश्चन में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और वो गलत होने के चांसेस है. तो हमको कूल और काम रहना चाहिए. ओके तो अगर हम यहाँ पर W फाइंड करें तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आप इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो x की लिमिट पुट करेंगे x1 टू x2. तो x1 का वैल्यू जो है वो है 2 और x2 का वैल्यू जो है वो है 4. तो आपको x1 इक्वल टू 2 से x2 इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेट करना है प्लस अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है किसको? सेकंड टर्म को दैट इज 2y इंटू डी वाई. ओके और यहाँ पर y का लिमिट पुट करेंगे y1 इज इक्वल टू आप ही बताइए क्या है? 3. ओके और y2 इज इक्वल टू आप ही बताइए क्या है? 6. ओके तो यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे. अब अगर हम w का वैल्यू फाइंड करें तो 3x एज इट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3. ओके और लिमिट कितना पुट करना है हमको? 2 टू 4. ओके प्लस 2y, y का इंटीग्रेशन कितना? y स्क्वायर बाई 2. अगर ये इंटीग्रेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आपको
बेसिक मैथमेटिक्स वाला वीडियो हमारा देखना चाहिए जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो 3, 2, 6 ओके, 3 से 3 कैंसिल हम कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो W इज इक्वल टू हमको मिला 4^3 माइनस 2^3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे 6^3 माइनस 6^2 माइनस 3^2 ओके। तो W हमारा कितना आया 6^3, 6^3 का क्या मतलब होगा 4^3, तो 4 × 4 = 16 एंड 16 × 4 = 64, सो 64 माइनस 8 प्लस 36 माइनस 9 ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 56 प्लस ये हो जाएगा 27 ओके। तो हमको मिलेगा 6 + 7 दैट इज इक्वल टू 13 एंड 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8, सो 83 जूल। आंसर कितना आएगा W इज इक्वल टू 83 जूल। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि वेरिएबल अगर वर्क डन है तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और डेफिनेटली यू विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक नाउ इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली ओके। सो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। थैंक यू वेरी मच।